नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और जैसा सभी को पता है, प्राइवेट क्लास नंबर 50 अभी तक मैंने बनाई नहीं है, ठीक है? तो अभी शाम तक रात के 11-12 बजे तक मैं वो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जो लोगों ने मैसेज किया है वो प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार करिए, और जिनको नहीं पता है वो भी डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम या फिर ट्विटर पेज के माध्यम से। अगर आपको प्राइवेट क्लास नंबर 50 का लिंक चाहिए तो आप मैसेज कर देना, मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा आपको हमारे प्राइवेट क्लास के लिंक। तो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी को बताया कि मई स्टार्ट हो चुका है, तो जो बहुत सारे स्टॉक्स आपके साथ मैंने बहुत पहले शेयर किए थे और आप लोग लगातार उनके क्वेश्चंस पूछते रहते हो, तो मैं आज बात करने वाला हूँ दोबारा से इस 3 रुपये के मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में। क्या ये स्टॉक अब सच में मल्टीबैगर बन सकता है? तो दोस्तों देखिए, पास्ट में जो भी आपको मैंने बतलाया ऑन द बेसिस ऑफ उस समय मुझे क्या नज़र आ रहा था मैंने वो बताया, अभी मुझे जो नज़र आ रहा है मैं आपको वो बताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ डेफिनेटली मैं अपना जो स्टेटमेंट है उसको बदलते हुए आपको नजर आऊंगा, लेकिन सम फैक्ट्स को देखते हुए, ठीक है? तो हमें हमेशा फैक्ट्स को देख के ही बात करनी चाहिए, या फिर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो ये जो स्टॉक है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज शेयर में, इसमें आपको क्या करना चाहिए? 3 रुपये का भी मात्र शेयर है, ये क्वेश्चन आप लोगों का है, तो वीडियो को अंत तक देखना, आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और हो सके तो लाइक कर देना अगर आपने समाओ इस स्टॉक पैसा कमाया, क्योंकि ये स्टॉक ने हमें पैसा कमा के दिया है, मैंने खुद कमाया है, राइट? अगर मैंने कमाया तो आपने डेफिनेटली कमाया हो, क्योंकि ये स्टॉक हमारे मेरी खुद की बाइंग प्राइस से बहुत नीचे आया था। मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो एडवेंचर ग्रोथ सिक्योरिटी शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, 3 रुपये का मात्र शेयर है, ठीक है? मैं इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, और 6 मंथ में आप देख सकते हो स्टॉक ने 40% रिटर्न दिया है। और अगर आपको याद होगा जब स्टॉक का प्राइस यहाँ ट्रेड कर रहा था 2.60 रुपये, ठीक है, इसी चैनल के माध्यम से मैंने आपको अपडेट दिया था, और स्टॉक ने 2.60 रुपये से ऑलमोस्ट 6 रुपये का हाई लगाया था। तो पैसा स्टॉक ने मल्टीप्लाई किया, और लगातार मैंने आपको अपडेट के माध्यम से बतलाया था कि स्टॉक में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि एक मंथली वीडियो बनता है तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है कि स्टॉक में आप क्या कर सकते हो। ऐसी गाइडेंस ना आपको कोई पेड क्लासेस पे नहीं देगा, ठीक है? अगर आप उनका पेड प्रोग्राम लोगे ना 1000-2000 रुपये का जो भी होता है मेंबरशिप, उसमें भी आपको नहीं देखने को मिलेगा जो मैं आपको बतलाता हूँ, ठीक है? जब यहाँ ट्रेड कर रहा था मैंने आपको बहुत क्लियर संकेत दिए थे, यू कैन एग्जिट, भैया बाय कर लो, कोई पागल ही होगा कि 2 रुपये बाय करके स्टॉक को बेचेगा नहीं, ठीक है? तो नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने पैसा कमाया नहीं कमाया। अब आता क्वेश्चन कि मैंने एक और स्टेटमेंट बोली थी, मैंने ये बोली थी कि स्टॉक को आप सपोर्ट कैसे बाय कर सकते हो, मतलब 3 से 4 रुपये की रेंज में आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, लेकिन यू मस्ट अप्लाई द स्टॉप लॉस ऑफ 2.35 रुपये, मतलब 2 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है? तो ये मेरी एक स्टेटमेंट थी, और मैं इस स्टेटमेंट में अभी भी अड़ा हूँ। अड़ा मतलब देखो, दो चीज़ें, या तो आप प्योरली टेक्निकल्स को फॉलो कर लो, यहाँ पर 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लो अगर आपको लगाना है, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस में, या फिर अभी जो हमें नज़र आ रहा है इसका अगर मैं शेड्यूलिंग पैटर्न देखता हूँ, तो देखो मैं आपको जैसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि मुझे ना शेड्यूलिंग पैटर्न में क्या क्या समझ आता है, शेड्यूलिंग पैटर्न क्या होता है, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस होती है उसका एक पार्ट है। तो शेड्यूलिंग पैटर्न मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो ज्यों की त्यों है, मतलब जो सेम थी वही होल्डिंग हमें देखने को मिलती जो पहले थी, ठीक है, एडवेंचर ग्रोथ की। लेकिन लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारा जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, देखो रिटेल का पैसा यहाँ पर बहुत बड़े नंबर में लगा हुआ है, 57 से उनकी होल्डिंग 68 हो गई है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ना रिटेल का पैसा 10% में जंप हो चुका है, रिटेल का मतलब जनरल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ। तो भैया जब भी किसी स्टॉक में रिटेल का पैसा बढ़ता है ना, मैं उस स्टॉक को यही बोलता हूँ कि वो स्टॉक ऊपर जा सकता है, नो डाउट आपका 3i इन्फोटेक गया जा सकता है, लेकिन मैं 10 में से 1 या 2 केस वो होते हैं, ठीक है, बाकी 8 स्टॉक आपके समझ जाओ क्या कहना चाहता हूँ नीचे आ जाते हैं। तो आप क्या करो, अगर आप स्मार्ट रिटेल होते, रिटेल के अंदर भी बहुत सारे आपके ग्रुप होते हैं, बहुत स्मार्ट रिटेल होते हैं, और बहुत सारे आप समझ जाओ जो नए रिटेल होते हैं। तो अब अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आप स्मार्ट हो, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो बंदा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो डेफिनेटली ग्रो करना चाहता है, उसको पता है कि हमारे वीडियो देखने से आपको बेनिफिट मिलता है, इसलिए आप देख रही हो, है ना? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो आप सिंपल है, अगर आपको अच्छा रिटर्न स्टॉक में मिल रहा है तो आप अभी के अभी कुछ ना कुछ क्वांटिटी शेयर बेच दो, मतलब मान के चलो अगर आपके पास 1000 शेयर है स्टॉक के, तो आप 500 क्वांटिटी अभी बेच दो, मतलब अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लो, आप स्टॉक में ये करो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर
ये बढ़ रहा है, ठीक है। मैं आपको दोनों तरफ से संकेत दे रहा हूँ, बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ठीक है। बीच में, मैं बीच में टक गया हूँ बस यहाँ पर। बीच में टकने का मतलब कि मैं ना आपको बोल रहा हूँ कि भैया बाय करो, ना बोलो सेल करो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अपना थिंकिंग बता रहा हूँ। मैं अगर आपकी जगह होता, मेरे पास स्टॉक पड़ा वैसे अभी, तो मैं अपनी सबसे पहले कैपिटल विड्रॉ करता हूँ। मैंने वो कर लिए बहुत पहले, ठीक है। मैंने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली है, अब मैं सिर्फ 2 रुपए के लॉस के साथ, मतलब 2 रुपए का जो स्टॉप लॉस है उसके साथ प्ले कर रहा हूँ। अगर मेरा स्टॉप लॉस होता है तो आई एम हैप्पी विथ दैट लॉस। अगर आप भी हैप्पी हो उस लॉस के साथ तो आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो 2 रुपए का स्टॉप लॉस होने वाला वो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो आप अभी के अभी स्टॉक से कुछ क्वांटिटी एग्जिट मार दो अभी के अभी, और उतना लॉस लो जितना आप झेल सकते हो, ठीक है। जितना आप देख सकते हो कि हाँ मैं आई एम ओके विद इट, कि मैं ले सकता हूँ उतना लॉस, ठीक है। तो आप प्लीज ऐसा इसमें काम कर लो, ठीक है। तो यहाँ देखो 52% डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई, 26 लाख से आज भी लोग स्टॉक में घर लेके गए। बाकी नंबर्स की बात करते हैं तो देखो कंपनी अच्छे नंबर दे रही है लगातार, नो डाउट अच्छे नंबर दे रही है, ठीक है। कंपनी अच्छे नंबर दिए भी लास्ट कुछ क्वार्टर्स में। आप देखो दिसंबर में कंपनी का 4 करोड़ का प्रॉफिट। अब देखते हैं कि कंपनी इस क्वार्टर में अच्छा कर पाती है, और देखो सालाना कंपनी के जो नंबर्स है वो बढ़ रहे हैं। 20 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, ठीक है, और जो लास्ट ईयर 12 करोड़ का प्रॉफिट था। तो नंबर्स कंपनी अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। बात आप लोग ना बोलो सर क्या हो गया इसमें, ऐसा क्या हो गया कि आप तो कह रहे थे कि स्टॉक ऊपर जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बतलाई है वो भी आपको फॉलो करना है। जो हमें अभी दिख रहा है मैंने उसके बेसिस में आपको बतलाया, यहाँ पर रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अब रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है तो आपको सोच समझदारी से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अभी समझदारी ये है कि अपना कुछ पैसा निकाल के आप छोटा क्वांटिटीज में रखो और 2 रुपये का एसएल लगाओ, ठीक है। अगर 2 रुपये का एसएल नहीं होता है, स्टॉक प्राइस ऊपर भाग जाता है, तो आप अच्छा रिटर्न कमा लोगे। अगर आपका एसएल हो जाता है तो फिर आपको एक वो रहेगा कि हाँ यार मैंने सही करा उस समय, ठीक है। बाकी मेरा खुद का पर्सनल व्यू, एक बार खुद की स्टडी ऐड कर लेना। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में।